हाय, मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ बानिक के YouTube चैनल में। और जैसे कि आपको वादा कर रहा हूँ, हर कुछ दिनों में मैं आपके लिए कुछ छोटा वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज अगेन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, याद रखिएगा, आपका सेंसस। जी हाँ, जनगणना, सेंसस के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो देखिए, इंडिया का जो पहला जनगणना हुआ था, याद रखिएगा, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज डन इन 1872। याद रखिएगा, इंडिया का जो पहला जनगणना हुआ था वो हुआ था आपका 1872 में, और ये करवाया था आपका लॉर्ड मायो ने करवाया था। जी हाँ, लॉर्ड मायो ने करवाया था, जो कि आपको पता होगा द फोर्थ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मायो वॉज द फोर्थ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इंडिया का पहला जो ऑफिशियल जनगणना हुआ था वो हुआ था आपका 1881 में हुआ था, जो कि करवाया था किसने, आपका लॉर्ड रिपन ने करवाया था। जी हाँ, लॉर्ड रिपन ने करवाया था, जो कि आपके इंडिया के सेवेंथ वाइसरॉय थे। नेक्स्ट, याद रखिएगा, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वाधीन भारत का जो पहला जनगणना हुआ था वो हुआ था आपका, याद रखिएगा, 1951। जी हाँ, 1951 में क्या हुआ था आपका, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला जनगणना हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, हर 10 साल में क्या हुआ, आपका जनगणना होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो याद रखिएगा एक और सेंसस के बारे में, वो है आपका 1921 सेंसस, 1921 का जनगणना। इस जनगणना को हम लोग बोलते हैं क्या, द सेंसस ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखिएगा, 1921 सेंसस इज कॉल्ड एज द सेंसस ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों उसको ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि जो 1921 के बाद से दो पॉपुलेशन ग्राफ ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्राफ था वो क्या रहा, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा, हमेशा इंक्रीज करता गया। दैट्स व्हाई द 1921 सेंसस इज कॉल्ड एज द सेंसस ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, जो नेक्स्ट सेंसस होगा आपका, जो नेक्स्ट सेंसस होना है वो होगा आपका 2021 में, इसी साल होना है। अच्छा, कोरोना वायरस के चलते थोड़ा क्या हो रहा है आपका, लेट हो रहा है, इसी साल आपका जो सेंसस होगा आपका आएगा। और आपका लास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था आपका 2011 में। याद रखिएगा, नेक्स्ट सेंसस 2021, लास्ट सेंसस कब हुआ था आपका, 2011 में हुआ था। तो अभी मैं जो भी आपको आगे बताऊंगा वो बताऊंगा 2011 का जनगणना के हिसाब से, क्योंकि 2021 का जो जनगणना है उसका रिपोर्ट हमारे पास अभी तक नहीं आया है। तो अभी आपको जो भी डिटेल बताया जाएगा वो बताया जाएगा, याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर देखते हो तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के हिसाब से इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। चाइना, याद रखिएगा, पॉपुलेशन में क्या है आपका, एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया, तीसरे नंबर पे आता है आपका यूएसए, चार नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया, पांच नंबर पे आता है आपका ब्राजील, छह नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान, सात नंबर पे आता है आपका बांग्लादेश, आठ नंबर पे आता है आपका नाइजीरिया, नौ नंबर पे आता है आपका रशिया, और दस नंबर पे आता है, याद रखिएगा, आपका जापान। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखते हो तो याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट सिटी इज द वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है, वो आपका स्मॉलेस्ट सिटी है। अच्छा, यहां पे मैं 2011 का जो कुछ डाटा है वो आपके लिए आपको बता देता हूं। देखिए, 2011 के जनगणना के हिसाब से द मेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज 17.10%, 17.10% वाज द मेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। वहीं अगर आप लोग फीमेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखते हो तो वो था, याद रखिएगा, आपका 18.30%, 18.30% क्या था आपका, इट वाज द फीमेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। और इंडिया का 2011 के जनगणना के हिसाब से जो एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट था वो तो याद रखिएगा आपका 1.64%, यस, 1.64%।
2011 के जनगणना के हिसाब से द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज 382। याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना था आपका 382। और जो सेक्स रेशियो था, याद रखिएगा सेक्स रेशियो बोला जाता है क्या, जो मेल एंड फीमेल को कंपैरिजन किया जाता है, तो याद रखिएगा जो सेक्स रेशियो था वो था आपका, याद रखिएगा 943/1000, यानी कि 1000 मेल में आपको 943 फीमेल देखने को मिलेंगे आपका इंडिया में। अगर स्टेट वाइज देखते हो तो याद रखिएगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो था 2011 के जनगणना के हिसाब से आपका केरला, जिसका था आपका 1084/1000, यानी कि 1000 मेल में आपको 1084 फीमेल देखने को मिलेंगे हाईएस्ट सेक्स रेशियो। और मिनिमम सेक्स रेशियो तो आपको याद रखना होगा हरियाणा का, जिसका 879/1000, यानी कि आपको 1000 मेल में आपको 879 फीमेल देखने को मिलेंगे, लोएस्ट आप लोग बोल सकते हो सेक्स रेशियो। अगर लिटरेसी का बात किया जाए 2011 के हिसाब से, तो याद रखिएगा हमारा इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो था आपका, याद रखिएगा 73%। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज 73%। और आप सभी को पता होगा कि जो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट है वो है आपका कौन सा, केरला, जिसका लिटरेसी आपको याद होना चाहिए 94%। अगेन आपको बता दूं, मैं ये जितना भी आंकड़ा दे रहा हूं आपको, ये सारा दिया जा रहा है 2011 के जनगणना का हिसाब से दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा हाईएस्ट लिटरेसी था केरला, जिसका लिटरेसी था आपका 94%, और जो लोएस्ट लिटरेसी था वो था आपका बिहार, जिसका लिटरेसी था आपका 61.80%। अगर आप लोग मेल एंड फीमेल में आपका लिटरेसी को कंपेयर करते हो, तो याद रखिएगा मेल का लिटरेसी था 2011 के जनगणना के हिसाब से आपका 80.9%, यानी कि 80.9%, और फीमेल लिटरेसी था याद रखिएगा आपका 64.6%। फीमेल लिटरेसी कितना था आपका 64.6% था। अगर कुछ और बात किया जाए तो 2011 के जनगणना के हिसाब से आपको पता होना चाहिए द हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका था स्टेट के हिसाब से, तो वो था आपका वेस्ट बिहार का, और सबसे ज्यादा आपका बोल सकते हो पॉपुलेशन अगर कोई स्टेट का था तो वो था आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो ये बताया गया आपको किसके बारे में, जनगणना के बारे में आपको बताया गया। अगेन आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर अगेन आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए पानी के YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।